सो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मुकुल। उम्मीद है कि आप सभी बढ़िया होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अप्रैल के महीने में 20 सबसे ज़्यादा बिकने वाली कार कौन सी है। अगर आपको ये जानना है कि अप्रैल के महीने में 15 कौन सी ऐसी कार ब्रांड जो सबसे ज़्यादा बिकी है, तो मैंने उस पर भी वीडियो बनाया हूँ। आप चैनल पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आज हम बताएंगे कि 20 सबसे ज़्यादा बिकने वाली कार कौन सी है। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को जरूर लाइक कर दे, शेयर कर दे, सब्सक्राइब कर दे और साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर दे, ताकि आपको हमेशा इस प्रकार की वीडियो देखने को मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और नंबर 20 पे है किया सोनेट। अगर हम इसकी सेल्स फिगर की बात करते हैं तो इस गाड़ी ने 5,404 यूनिट सेल्स की है। वहीं इसकी हम अगर प्राइसिंग की बात करते हैं तो आपको 7.50 लाख से लेकर 13.79 लाख की प्राइसिंग करती है। तो चलिए जानते हैं नेक्स्ट कार कौन सी है। और नंबर 19 पर है किया करेंचो की MPUV है। अपनी सेगमेंट की सबसे बेहतरीन गाड़ी है और काफ़ी लुक में काफ़ी एक प्रीमियम निश लगती है। वहीं अगर हम इसकी सेल्स फिगर की बात करते हैं तो इस गाड़ी ने 5,754 यूनिट सेल्स की है। और अगर हम इसकी प्राइसिंग की बात करते हैं तो आपको 9.59 लाख से लेकर 17.70 लाख की प्राइसिंग करती है। और नेक्स्ट कार जो आई है टोयोटा की इनोवा क्रिस्टा। जैसे कि आपको पता है कि टोयोटा अपनी रिलायबिलिटी के लिए जानी जाती है। अगर हम इनोवा की सेल्स फिगर की बात करते हैं तो इस गाड़ी ने 6,351 यूनिट सेल्स की है। वहीं अगर हम इसकी प्राइसिंग की बात करते हैं तो आपको 17.86 लाख से लेकर 25.68 लाख की प्राइसिंग करती है। तो चलिए जानते हैं नंबर 17 पर कौन सी कार आती है। और नंबर 17 पर यह मारुति सुजुकी की एस्प्रेसो। अगर हम इसकी सेल्स फिगर की बात करते हैं तो इस गाड़ी ने अप्रैल के महीने में 6,694 यूनिट सेल्स की है। वहीं अगर हम इसकी प्राइसिंग की बात करते हैं तो आपको 3.85 लाख से लेके 5.63 लाख की प्राइसिंग करती है। तो चलिए जानते हैं नंबर 16 पर कौन सी कार आती है। और नंबर 16 पर मारुति की एक और कार आई है, जो है मारुति सुजुकी सिलेरियो। अगर हम सिलेरियो की सेल्स फिगर की बात करते हैं तो इस गाड़ी ने 7,066 यूनिट सेल्स की है। वहीं अगर हम इसकी प्राइसिंग की बात करते हैं तो आपको एक शोरूम दिल्ली के हिसाब से 5.23 लाख से लेके 7 लाख की प्राइसिंग करती है। और अगर नंबर 15 की बात करते हैं तो नंबर 15 पर आइए किया सेल्टोस, जो कि SUV है। अगर हम इसकी सेल्स की बात करते हैं तो इस गाड़ी ने 7,506 यूनिट सेल्स की है। वहीं अगर हम इसकी प्राइसिंग की बात करते हैं तो आपको 10.90 लाख से लेकर 18.45 लाख की प्राइसिंग करती है। तो चलिए जानते हैं नंबर 14 पर कौन सी कार आती है। अगर नंबर 14 की बात करते हैं तो नंबर 14 पर आइए महिंद्रा बोलेरो। ये बोलेरो कम TUV का फेसलिप ज़्यादा लगती है। अगर हम इसकी सेल्स की बात करते हैं तो इस गाड़ी ने 7,686 यूनिट सेल्स की है। वहीं अगर हम इसकी प्राइसिंग की बात करते हैं तो आपको 9.31 लाख से लेकर 10.240 लाख की प्राइसिंग करती है। तो चलिए जानते हैं नंबर 13 पर कौन सी कार आती है। अगर नंबर 13 की बात करते हैं तो नंबर 13 पर आइए हुंडई की वेन्यू, जो कॉम्पैक्ट SUV है। अगर हम इसकी सेल्स की बात करते हैं तो इस गाड़ी ने 8,352 यूनिट सेल्स की है। वहीं अगर हम इसकी प्राइसिंग की बात करते हैं तो ये आपकी जो प्राइसिंग करती है 6.99 लाख से लेकर 11.71 लाख की प्राइसिंग करती है। तो चलिए जानते हैं नंबर 12 पर कौन सी कार आती है। वहीं नंबर 12 की बात करते हैं तो नंबर 12 पर है मारुति सुजुकी की स्विफ्ट। आमतौर पर यह गाड़ी हमेशा टॉप 10 की लिस्ट में रहती है, लेकिन इस महीने ये नंबर 12 के पोजीशन पर आई है। और वहीं अगर हम इसकी सेल्स की बात करते हैं तो इस गाड़ी ने 8,898 यूनिट सेल्स की है। और अगर हम इसकी प्राइसिंग की बात करते हैं तो ये आपको 5.91 लाख से लेकर 8.84 लाख की प्राइसिंग करती है। तो चलिए जानते हैं नंबर 11 पर कौन सी कार आती है। उससे पहले आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। और अगर हम नंबर 11 की बात करते हैं तो नंबर 11 पर यह हुंडई की ग्रैंड आइटोनियस। अगर हम इसकी सेल्स फिगर की बात करते हैं तो इस गाड़ी ने 9,123 यूनिट सेल्स की है। वहीं अगर हम इसकी प्राइसिंग की बात करते हैं तो आपको 5.30 लाख से लेकर 8.51 लाख की प्राइसिंग करती है। तो चलिए जानते हैं टॉप 10 बेस्ट सेलिंग कार कौन सी है। अगर नंबर 10 की बात करते हैं तो नंबर 10 पर यह टाटा की पंजो की इंडिया की सबसे सेफेस्ट एक कार है, जिसे टाटा माइक्रो SUV कह के बेचती है। वहीं अगर हम इसकी सेल्स की बात करते हैं तो इस गाड़ी ने 10,132 यूनिट सेल्स की है। और अगर हम इसकी प्राइसिंग की बात करते हैं तो ये आपको 5.83 लाख से लेकर 9.49 लाख की प्राइसिंग करती है। तो चलिए जानते हैं नंबर 9 पर कौन सी कार आती है। अगर नंबर 9 की हम बात करते हैं तो नंबर 9 पर यह मारुति सुजुकी की अल्टो। अगर हम इसकी सेल्स फिगर की बात करते हैं तो इस गाड़ी ने 10,443 यूनिट सेल्स की है। और अगर हम इसकी प्राइसिंग की बात करते हैं तो ये आपको 4.80 लाख से लेकर 4.41 लाख की प्राइसिंग करती है। तो चलिए जानते हैं नंबर 8 पर कौन सी कार है। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो अगर अभी तक आप देख रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको हमेशा इस प्रकार की वीडियो देखने को मिलती रहे। अगर नंबर 8 की बात करते हैं तो नंबर 8 पर यह मारुति सुजुकी स्विफ्ट डिजायर, जो कि कॉम्पैक्ट सीडान है। अगर हम इसकी सेल्स फिगर की बात करते हैं तो इस गाड़ी ने 10,701 यूनिट सेल्स की है। वहीं अगर हम इसकी प्राइसिंग की बात करते हैं तो आपको 6.23 लाख से लेकर 9.17 लाख की प्राइसिंग करती है। तो चलिए जानते हैं नेक्स्ट कार कौन सी है। अगर नंबर 7 की बात करते हैं तो नंबर 7 पर यह मारुति सुजुकी बलेनो। इस गाड़ी का फेसलिफ्ट आने के बाद यह गाड़ी काफ़ी ज़्यादा ही प्रीमियम देखने में लगने लगी है। वहीं अगर हम इसकी सेल्स की बात करते हैं तो इस गाड़ी ने 10,938 यूनिट सेल्स की है।
और अगर हम इसकी प्राइसिंग की बात करते हैं तो आपको 6.42 लाख से लेकर 9.59 लाख की प्राइसिंग करती है। तो चलिए जानते हैं नंबर 6 पर कौन सी कार आती है। अगर नंबर 6 की बात करते हैं तो नंबर 6 पर यह मारुति सुजुकी इकोजेक वैन है। अगर हम इसकी सेल्स की बात करते हैं तो इस गाड़ी ने 11,154 यूनिट सेल्स की है। और अगर हम इसकी प्राइसिंग की बात करते हैं तो इसकी प्राइसिंग है 4.63 लाख से लेके 5.94 लाख के प्राइसिंग करती है। तो चलिए जानते हैं टॉप 5 बेस्ट सेलिंग कार कौन सी है। और अगर हम नंबर 5 बात करते हैं तो नंबर 5 पर यह मारुति सुजुकी की विटारा ब्रेजा। ये मारुति सुजुकी की सबसे सेफेस्ट एसयूवी है। अगर हम इसकी सेल्स की बात करते हैं तो इस गाड़ी ने 11,764 यूनिट सेल्स की है। वहीं अगर हम इसकी प्राइसिंग की बात करते हैं तो आपको 7.82 लाख से लेकर 11.47 लाख की प्राइसिंग करती है। तो चलिए जानते हैं नंबर 4 पर कौन सी कार आती है। और अगर नंबर 4 की बात करते हैं तो नंबर 4 पर आई हुंडई की क्रेटा। ये इतनी महंगी होने के बावजूद भी हमेशा टॉप 10 की लिस्ट में रहती है और इस महीने नंबर 4 के पोजीशन पर आई है। अगर हम इसके सेल्स की बात करते हैं तो इस गाड़ी ने 12,651 यूनिट सेल्स की है। और अगर हम इसकी प्राइसिंग की बात करते हैं तो आपको 10.44 लाख से लेकर 18.18 लाख के प्राइसिंग करती है। तो चलिए जानते हैं टॉप 3 बेस्ट सेलिंग कार कौन सी है। और अगर नंबर 3 की बात करते हैं तो नंबर 3 पर इंडियन कार ब्रांड आई है जो है कि टाटा नेक्सॉन। अगर हम इसकी सेल्स की बात करते हैं तो इस गाड़ी ने 13,471 यूनिट सेल्स की है। और अगर हम इसकी प्राइसिंग की बात करते हैं तो आपको 7.54 लाख से लेकर 13.19 लाख की प्राइसिंग करती है। और जैसा कि आपको पता है कि टाटा की हर कार काफ़ी सेफेस्ट है और कहीं ना कहीं इसी कारण से टाटा टॉप 10 की लिस्ट में आई है। तो चलिए जानते हैं नंबर 2 पर कौन सी कार आती है। और नंबर 2 पर आई है मारुति सुजुकी अर्टिगा जो एक एमयूवी। इस गाड़ी का हाल ही में फेस्टिव लॉन्च हुआ और फेस्टिव लॉन्च होते ही यह गाड़ी सीधा नंबर 2 के पोजीशन पर आई है। और इस गाड़ी ने जो सेल्स की वो आपकी 14,879 यूनिट सेल्स की है। वहीं अगर आप इसकी प्राइसिंग की बात करते हैं तो आपको 8.35 लाख से लेकर 12.79 लाख की प्राइसिंग करती है। तो चलिए जानते हैं नंबर 1 पर कौन सी कार आई है। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। और अगर हम नंबर 1 की बात करते हैं तो नंबर 1 पर पिछले बार की तरह इस बार भी नंबर 1 पर आई है मारुति सुजुकी वैगन आर। अगर इस महीने में इस गाड़ी की हम सेल्स की बात करते हैं तो 17,766 यूनिट सेल्स की है। वहीं अगर हम इसकी प्राइसिंग की बात करते हैं तो आपको 5.47 लाख से लेकर 7.19 लाख की प्राइसिंग करती है। तो ये तो 20 गाड़ियाँ जो अप्रैल के महीने में सबसे ज़्यादा बिकी है। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें ताकि आपको हमेशा इस प्रकार की वीडियो देखने को मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।